اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين من تبعهم بإحسان الى يوم الدين ما بعد فاضل الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب محترم حضرات خباتين برفتن دارمي फितने की पहचान और उनसे बचाव के ताल्लुक़ से बात चल रही है आज हम लोग मालूम करेंगे वक्त का एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही दर्दनाक फितना फितनाए जुल्म, वो जबर ज़्यादती सितम कतल, गारत गरी और जंग व जिदाल ये आज के वक्त और माहौल का एक बहुत बड़ा फितना है बहुत बड़ी ट्राजिटी और बहुत बड़ा अलमिया है अल्लाह ताला ने इसको एक बहुत बड़ा फितना और ऐसा फितना जिसकी लपेट में सारे के सारे आ सकते हैं अल्लाह ने फरमाया फित्ला तसीबनदीन खास तुम उस फितने से बचो जो तुम में से सिर्फ जालिमों को ही नहीं पहुँचेगा बल्कि सारे लोग इसकी लपेट में आ जाएंगे वमल्ला शदीद अक्काब और इस बात को जान लो कि अल्लाह ताला बहुत सख्त सज़ा देने वाला है जो ये फितना बपा करेगा जो इस फितने को हवा देगा अल्लाह ताला उसको अंजाम तक पहुँचाएगा दर्दनाक सज़ा से दो चार फरमाएगा और वो फितना है फितनाएँ जुल्म ज़्यादती फितनाएँ कत्ल वारत गरी जंग जिदाल का फितना कतल का फितना अल्लाह ताला ने इस फितने को जुल्म ज्यादती के फितने को सबसे पहले अपने ऊपर हराम करार दिया है अल्लाह ताला ने तदीीसी कुदसी में फरमाया सही मुस्लिम की रिवायत है इन हर्रम तो अला नफसी बैनकुम मुहर्रमा, फला तम लोगो मैंने अपने आप पर जुल्म को सबसे पहले हराम किया और इस जुल्म को तुम्हारे आपस में भी मैंने हराम गर्दाना फला तदालमु तो तुम आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करना क्योंकि ये जुल्म अदुल्म दुल्मा तुन यौमल कयामा जुल्म ये तारीकी है रोजे कयामत आले इल्म ने लिखा है रोजे कयामत इसलिए कहा गया कि वहां तो अंधेरा बड़ा खतरनाक होगा लेकिन दुनिया में भी जुल्म बाई से अंधेरा है बाई से तारीकी है जुल्म की वजह से माशरा तबाह बर्बाद हो जाता है इंसानी तारीख में ये बात मुसलम है और ये हकीकत है कि माशरा इंसानी आबादियां फलती फूलती हैं पुरसकून अंदाज में रहती है तरक्की करती है कब जब वहाँ इंसाफ हो जुल्म ता ज्यादती ना हो तो वहाँ पर माशर बड़ा सुकून से रहता है और अगर जुल्म झ्यादती हो माशर तब और बर्बाद होकर रह जाता है तारीख़ के फलसफे का मोजद इज्तमीत और सोसाइटी के फलसफ़े का अल्लामा इब्ने खलदून फरमाते हैं अपनी शरा किताब में जिसको अलमुकदमा कहा जाता है मुकदमा अपने खलदून के नाम से मशहूर है आबादियों को वीरान और बर्बाद करने का ऐलान है जुल्म से बर्बादियां आती है जुल्म से माशरा तबार बर्बाद होता है सारे लोग परेशान रहते हैं चरिंदे परिंदे दरिंदे हवाना माहौल फिजा हजर शजर इंसान बिला दबाब, सारे के सारे परेशानी में मुबतला रहते हैं जुल्म में इसीलिए इस्लाम ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि देखो जुल्म का खातिमा होना चाहिए जुल्म किसी भी सूरत में रवा नहीं होना चाहिए और जुल्म की वजह से माशरा तबाही की तरफ जाता है इसलिए ये म्म ख़त्म करो और जुल्म इंसान की जान पर भी होता है इंसान के माल पर भी होता है इंसान की इज्ज़त आबरू पर होता है जुल्म तीनों किस्में हराम हैं जुल्म की तीनों किस्में हराम हैं जुल्म चाहे माली जुल्म हो, जुल्म चाहे जानी जुल्म हो, चाहे इज्जत आबरू का जुल्म हो हर तरह का जुल्म जुल्म है माल का या है कि इंसान के माल को हड़प लिया जाए बातिल तरीके से हासिल कर लिया जाए छीना जाए झपटा जाए रिश्वत के ज़रिए चोरी के ज़रिए या मुख्तलिफ तरह के दबाव के ज़रिए से उसूली के ज़रिए से हुकूमतों के गलत रवियों के ज़रिए से या किसी को धोखा देकर, कर गसब करके गबन करके या किसी को अपने चिकनी चपड़ी बातों में मुबतला करके किसी को दीन का हवाला देकर या किसी को किसी और का हवाला देकर माल हड़पना ये माली जुल्म है और इज्जत आबरू पर जुल्म होता है कि किसी की इज्जत उछालना किसी की गिबत करना चुगलखोरी खोरी करना किसी की इज्जत आबरू से खिलवाड़ करना खामा में किसी की इज्जत पे हाथ डालना चाहे औरतों के सिलसिले में हो या मर्दों के बारे में हो या उसके नफसानी इज्जत इज्जत नफ्स की बात हो या उसके मुहरमात की बात हो यह भी एक बहुत बड़ा जुल्म है और जानी जुल्म ये तो है ही प्यारे भी सल्ला सल के वसल्लम ने हजतुल के मौके पर आपने एक जाम इरशाद फरमाया जिसको खुदबालिदा के नाम से याद किया जाता है उस खुतबे में आप सल सल्ला वसलम ने जहाँ पर बहुत सारी बातों की तालीम दी है वहाँ पर आपने ये फरमाया कि देखो लोगो तुम जुल्म आपस में ना करना और हर तरह के जुल्म, जुल्म की तीनों शक्लों को जानी माली इज्जत और आबरू हर तरह के जुल्म को हराम करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान की इज्जत और आबरू को एक मुसलमान के माल को उसकी जान माल उसकी इज्जत और आबरू तीनों को शहरे हरमत वाला शहर मक्के के बराबर वाला महीना हज वाला महीना जुलहिजा के बराबर हरमत वाला शहर मक्का और मदीने के बराबर काबे के हरमत के बराबर करार दिया है या अरफा के दिन के बराबर करार दिया है आपने उस खुदबे में फरमाया कि देखो ये आज का दिन है अरफा का दिन मक्के में है जोलहिजा का महीना है आके देखो लोगो तुम्हारे माल तुम्हारी इज्जत आबरू तुम्हारी जान तुम्हारी माल तुम्हारी इज्जत और आबरू ये तीनों के तीनों ऐसे ही तुम्हारे लिए आपस में हराम है हादा जिसे आज का दिन मोहतरम है फी फिर बलदा आज ये शहर शहर मक्का जैसे मोहतरम है फी शहर हादा आज का ये महीना जुलहिजा का महीना जैसे मोहतरम है अल्लाह फटर तो हम जिस तरह से जुल्हिजा का महीना हदूद हरम मक्का काबा और इसी तरह से योम अरफा का एहतराम करते हैं एक मुसलमान की जान माल इज्जत और आबरू उसका भी उतना ही एहतराम करना चाहिए हजरात जिसकी वजह से माशरा और बर्बाद हो जाता है और बस्तियों को हलाक करने की दास्तान और उसके जो असबाब अल्लाह ने बयान किए उसमें से बुनियादी सबब है जुल्म ताला ने फरमाया कि अल्लाह तबर बस्ती वालों को जो पकड़ता जब वो ज़ालिम हो और वत गरी इसको अगर हम देखें तो ये आखिरी जमाने का एक बहुत बड़ा फितना है कतल कतल नबी ने फरमाया कि आखिरी जमाने में हरज बहुत होगा साहबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल हरज क्या है तो आपने फरमाया अल कतल अल कतल फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया सही बुखारी मुस्लिम की हदी से मुस्ता حتى व तदहर फितन जब तक ये फितना जाहिर ना हो और ये फितने क्या है कहा कि जुल्म ज्यादती, जंग गजवात आज देखो सारी दुनिया में जंग का माहौल है और कैसे जंग का माहौल है कातिल कत्ल कर रहा है उसको ये पता नहीं है मैं क्यों इसको मार रहा हूं और मकतूल को भी कत्ल होने वाले को पता नहीं है मुझे क्यों मारा जा रहा है नबी ने यही बात हो बहु इर्शाद फरमाई कहा कि देखो आखिर जमाने में कत्ल इतना आम होगा कि कातिल को पता नहीं चलेगा मैं क्यों इसको कत्ल कर रहा हूं और मकतूल को पता नहीं चलेगा कि मुझे क्यों मारा गया है आज हालत ऐसे ही है रास्ता चलते चलते उसको कत्ल कर दिया जाता है उसे पता भी नहीं कि कत्ल क्यों किया गया क्या उसका कसूर है और घात में रहते हुए कोई मारता है कोई सुसाइड बम्बर बमबारी करता है जो कि इस्लामी एतबार से गलत है और उसको ये भी पता नहीं है मैं इसको मार रहा हूँ और जो मर रहा है क्यों उसको मार रहा हूँ मैं हत ये वक्त का एक बहुत बड़ा अलमिया बहुत बड़ा फितना है सारी दुनिया में गजबात और जंगों का ऐसा माहौल है पावरों की तरफ से जुल्म हो रहा है हुकूमतों की तरफ से जुल्म हो रहा है ताकतवरों की तरफ से जुल्म हो रहा है, ओहदेदारों की तरफ से जुल्म हो रहा है और हर एतबार से यहाँ तक के दीनी एार से भी की तरफ से भी दीन पर भी जुल्म हो रहा है और वो ये कि दीन के सही तालीमत बयान ना करना दीन की तालीमत को छुपाना गलत चीजों को पेश करना गर्ज ये जुल्मती और चाहे माली हो जानी हो या इज्जत आबरू का जुल्म हो कतल वारत गरी की बात हो आज देखो इंसान की जान की कोई कदर वीमत नहीं है एक जानवर की जान जितनी कीमती है इंसान की नहीं एक जानवर के गोश्त खाने की वजह से इंसान में से कई इंसानों को कत्ल कर दिया जाता है अब बताइए कि कितना बड़ा फितना है ये कि जानवर के गोश्त खाने से इंसान की जान ले ली जाए और उसको हक समझे याद रखिए मेरे भाइयों आज जानवरों की जितनी हिफाजत हो रही है इंसानी जान की हिफाजत नहीं है और आज इस लॉकडाउन के अय्या में आप देखें कि जानवर आजाद हैं और इंसान जो है मुक्द हैं इंसान मुक्द है इंसान कैद में है क्यों हमारे गुनाहों की सजा भी है और हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से भी है और सही माने में इंतजाम ना होने की वजह से हैं ये सारे जुल्म की शक्ल है।, है आज कोरोना वायरस से इतने लोग नहीं मर रहे हैं भूख से और रास्ता चलते हुए और दीगर गजबात में जंगों में और दूसरे चीजों की वजह से इंतकाम की आग में या फिर कबाराना फसादात में लोग उतने मर रहे हैं अल्लाह हिफाजत फरमाए गर्स आज इस चीज़ को ज़्यादा बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है एकदम आया है कि आज कत्ल गरत गरी ज़्यादती इन इन फितनों से सारी दुनिया भर चुकी है और आखिरी ज़माने में जब ये बातें होगी तो उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अजाबात मुसलसल तरीके से आएंगे और जालिम को अल्लाह ताला एक ना एक दिन अंजाम तक पहुँचाएगा ालिम के लिए जुल्म के इस माहौल में मजलूम के लिए जालिम भी एक फितना है आजमाइश है और जालिम के लिए मजलूम भी एक आजमाइश और फितना है करना क्या है कैसे हम बच सकते हैं इससे अल्लाह के रसोलम ने फरमाया उन सुर आखा का मज़लूमा इसको खत्म करना चाहते हो जुल्म के इस माहौल को तो नबी ने फरमाया अपने भाई की मदद करो जालिम हो या मजलूम हो साहबा को बड़ा अल्लाह के रसूल। जालिम की मदद मजलूम की मदद तो समझ में आती है जालिम की मदद क्यों करें? तो आपने फरमाया उसका हाथ पकड़ के जुल्म से रोकना ही उसकी मदद है जालिम को जुल्म करने से रोको जालिम का साथ नहीं देना अल्लाह ने क्या फरमायादी मुन्नार जालिमों की तरफ मैलान ना रखो जालिमों की पुष्पना ही ना करो जालिमों का सपोर्ट ना करो अगर जालिमों का चाहे जानी हो माल जा पर जुल्म करने वाला हो, जो आबरू पर जुल्म करने वाला हो, ऐसे जालिमों का सपोर्ट ना करो उनका सपोर्ट ना करो ना करो हेल्प ना करो और किसी भी एतवार से उनकी तरफ मैलान और झुकाउ भी ना रखो अगर रखोगे तो क्या होगा फतमनार तुम सबको आग अपने लपेट में ले लेगी अजाब आएगा जालिमों की तरफ मैलान नहीं जालिम को रोको बताओ इसलिए कहा कि देखो तो हक निंदा सुल्तान एक जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना ये जिहाद है उसको जुल्म से रोको उसको समझाओ अल्लाह ने आपका सर वसूख दिया है जालिम को समझा सकते हैं जालिम को समझाएं ना कि आप खामोश बैठ जाएं ये जालिम की मदद करना है और जुल्म के खातिमे का जरिया है और मजलूम की मदद करो और उसको सबर की तलकीन करो मजलूम को चाहिए सबर करें अल्लाह इसे माहौल में दोनों को आजमाता है मजलूम के लिए मजलूम कितना सबर करता है अल्लाह की तरफ आता है तो बस्तगफार करता है दीन की तरफ मायल होता है जिसकी वजह से ईमान और दीन की वजह से जुल्म हो रहा है और दीनदार बनो और ईमानदार बनो और अल्लाह की तरफ आओ और जालिम के लिए आजमाइश है कि लिम को अल्लाह मौका देता है ढील देता है कि ये अपने जुल्म से बाज आए और अपनी हुकूमतों पर ताकतों पर वसाइल पर इसबाब पर वो गुरूर ना करें बल्कि उससे परहेज़ करें दोब्लमीन से अल्लाह तबरक और आपको जुल्म और ज़्यादती के कत्ल गारत गरी जंग व जिदाल के इस पुरफ़ता दौर में अल्लाह महफूज रखें अल्लाह हमारी हिफाजत फ़रमाएँ अल्ला नाऊ दबिका मिनाल्फ़तान माँ दोन बतान व आखिर उदादिल्लाबीन